हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक प्राइवेट कॉर्पोरेट फर्म की अपॉर्चुनिटी है, जिस कंपनी के टीवी पे कमर्शियल्स आपने जरूर देखे होंगे या फिर आपने कोई शॉप पे गए होंगे तो इस कंपनी के क्यूआर कोड देखे होंगे या फिर आपके स्मार्टफोन्स में इसकी ऐप जरूर आप लोगों ने कभी ना कभी डाउनलोड करी होगी फॉर डिजिटल पेमेंट। आप सही समझ रहे हैं, इस कंपनी का नाम है फोनपे। फोन पे ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो या फिर जुडिशरी की वैकेंसी हो या कोई बैंक की वैकेंसी हो, पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर कोई कॉर्पोरेट टॉप फर्म्स जिन्होंने अपने लिए लीगल लिटिगेंट्स के लिए ऑफर निकाला है उनके बारे में नॉलेज हो, कोई भी आपकी ऑल ओवर इंडिया में लीगल वैकेंसी निकलेगी आपको इस चैनल पे उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को खत्म कर पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं चाहूंगा अगर वो चाहता है कि उसे टाइमली अपडेट्स मिल जाएं सारे लीगल फर्टिनिटी के वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है फोनपे, जिसने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकाला है। इन्होंने जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो मैनेजर की करी है और इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है और आपको कोर्ट रूम भी डे टू डे बेसिस पे विजिट करने पड़ेंगे। आपको पूरा लिटिगेंट वाला ही काम ऑफर करा जाएगा। आपको डेजिग्नेशन जो ऑफर करी जा रही है वो फोन पे के द्वारा आपको मैनेजर की करी जा रही है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपको कि कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है या फिर एलएलएम की डिग्री है। एलएलबी की डिग्री, चाहे आपने 3 ईयर का एलएलबी का कोर्स कराओ या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपके पास एलएलएम की भी डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम 7 to 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने मिनिमम 7 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। काफी कैंडिडेट्स पूछेंगे कि 7 साल में हमने किसी एक स्पेशलाइजेशन में काम करा है, लेकिन इन्होंने आपसे सारी स्पेशलाइजेशन में ही आपसे काम कराएंगे। जैसे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, राइट एक्सपोजर इन सिविल आर्बिट्रेशन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल एरियाज आईपीआर, मतलब आपको सिविल में भी काम करना पड़ेगा, क्रिमिनल में भी काम करना पड़ेगा, आईपीआर के रिगार्डिंग भी काम करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑल अराउंड सारी फील्ड के रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने 7 साल मल्टीपल अलग अलग केसेस पे काम करा है, मतलब उसने आईपीआर के केसेस भी देखे, आर्बिट्रेशन के केसेस भी देखे, क्रिमिनल केसेस भी देखे, सिविल केसेस भी देखे, उसको ऑल अराउंड पूरे लीगल फील्ड की नॉलेज है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। क्योंकि मुझे लगता है उसी कैंडिडेट को ये लोग हायर भी करेंगे, क्योंकि जिसको सारी फील्ड्स की ऑलरेडी नॉलेज है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें और चीजें क्या बोली गई है। इसमें बोला गया है आपका स्ट्रॉन्ग रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास ऑरेटरी स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास गुड ड्राफ्टिंग स्किल्स होनी चाहिए और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपको आने चाहिए। ये इन्होंने आइडल कैंडिडेट के बारे में बताया जो इनको एक कैंडिडेट के अंदर सारी चीजें चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी जॉब लोकेशन कौन सी होने वाली है। आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी बैंगलोर होने वाली है। आप सभी ने सुना होगा बैंगलोर अपने एनवायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, वहां का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर एक खराब चीज है जो कि वहां पर ट्रैफिक आपको बहुत मिलता है, छोटी सी जगह जाने के लिए आपको काफी देर लग जाती है।
एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये आपकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है कि आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हायर किया जा रहा है एज अ एडवोकेट। नहीं, आपको ये परमानेंट तौर पे हायर करेंगे, जैसे एक कॉर्पोरेट फर्म आपको किसी भी कैंडिडेट को हायर करती है वैसे ही आपको हायर करेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लगी आपके सुपीरियर्स को, आपके सीनियर मैनेजर्स को, तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, उतनी ही इजीली आपको एग्जिट डोर भी दिखाया जा सकता है। तो आपको ऑलवेज प्रेशर में काम करना आना चाहिए। तो जिस भी कैंडिडेट को मिनिमम 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं वेरियस फील्ड में काम करते हुए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, उसके लिए ये बहुत अच्छी कंपनी है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, फोन पे एक अच्छा CTC आपको ऑफर करने वाली है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आपको उतनी ही जल्दी आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। बाकी ये अच्छी फॉर्म है, आप जरूर अप्लाई करिएगा अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है तो। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो और क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको इस प्राइवेट फर्म में बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिल रहा है, वेलनेस प्रोग्राम का बेनिफिट मिल रहा है, पेरेंटल सपोर्ट मिल रहा है आपको, मोबिलिटी बेनिफिट मिल रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और आपके सैलरी एडवांस पॉलिसी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको। जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है वैसे ही आपको फोन पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करना कैसे है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको इसके इंटरफेस पे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ अप्लाई विद लिंक्डइन आ रहा होगा। आप चाहे तो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। अगर आप वहां से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर अपना नेम, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल, फोन नंबर, फिर अपना अपडेटेड रेज्यूमे आप यहाँ अपलोड करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपना एक कवर लेटर जो आपने बनाया होगा उसको मेंशन करेंगे। आप यहाँ पर अपनी एडुकेशन मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप अपना करंट कैरियर स्टेज लिखेंगे कि अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं आप क्या कर रहे हैं। सिंपल चीजें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे बेझिझक होकर नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि ऐसा कोई कमेंट, ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं होता जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। मैं चाहूंगा आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।